दोस्तों, जून का मंथ चल रहा है और गर्मी अपने पीक पर है। मई मंथ से लेकर अब तक टेम्परेचर करीब 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इस हाई टेम्परेचर रेंज के अंदर अपने घरों में जो हमने प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं, उन प्लांट्स की केयर करना, उन्हें मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर आप होम गार्डनिंग करते हैं तो आपने नोटिस भी किया होगा कि ज़्यादा गर्मी की वजह से प्लांट्स झुलस जाते हैं और कई बार वो डेड भी हो जाते हैं। दोस्तों, आप मेरा ये क्रोटन का प्लांट देख रहे हैं, ये गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा झुलस सा गया है। इसके लीव्स येलो होकर गिरने भी लगे हैं, पर ये केयर की वजह से ये प्लांट्स अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम अपने होम गार्डन के अंदर प्लांट्स को किस प्रकार तेज़ गर्मी से बचा के रखें। इसमें दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आता है अपने प्लांट्स को इनडोर में शिफ्ट करना। फरवरी मार्च के मंथ में गर्मी की शुरुआत होती है, पर अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से प्लांट्स को इनडोर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास करके वो प्लांट्स जो डायरेक्ट सन को टॉलरेट नहीं कर सकते, उन्हें आप अंदर शेड में शिफ्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वाटरिंग का है। तेज़ गर्मी से प्लांट्स को बचाने में पानी का एक बड़ा रोल रहता है। आपने वाटरिंग इस प्रकार से करनी है कि पॉट की जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर लगातार मेंटेन रहे। वाटरिंग के बीच में लंबा गैप रहने की वजह से या पॉट की सॉइल लंबे टाइम तक ड्राई होने की वजह से प्लांट्स तेज़ गर्मी में झुलस जाते हैं और सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए आप दिन में दो बार पॉट की सॉइल को चेक करते रहें, कहीं वो कम्प्लीटली ड्राई तो नहीं। पूरी तरह ड्राई होने पर आप पॉट में पानी दें। इसके अलावा दोस्तों, प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए ग्रीन नेट का यूज़ करें। आपके होम गार्डन के जिस पोर्शन में लॉन्ग टाइम के लिए सनलाइट एंटर करती हैं, उस एरिया को आप ग्रीन नेट से कवर करें। ग्रीन नेट में बारीक बारीक जालियां सी होती है, इससे छनकर धूप अंदर एंटर करती हैं। अंदर का टेम्परेचर बाहर से कम हो जाता है और प्लांट्स गर्मी से बचे रहते हैं। गर्मी से बचाने के नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, जो पॉइंट है वो है प्लांट्स के लीव्स पर शावर करना। दोस्तों, कुछ नाजुक प्लांट्स जैसे मनी प्लांट है, तो इस प्रकार के प्लांट्स को गर्मी से बचाने के लिए आप उनके लीव्स पर दिन में एक या दो बार पानी से स्प्रे कर सकते हैं, शावर दे सकते हैं। इससे प्लांट्स गर्मी से बचे रहते हैं, वो कूल रहते हैं और उनके पत्तों पर जमी हुई डस्ट है उसके रिमूव हो जाने से पत्तों की चमक बढ़ती है और प्लांट्स नई ग्रोथ जल्दी दिखाते हैं। इस मंथ में दोस्तों, अगर आपने प्लांट्स की शॉपिंग की है नर्सरी से, तो प्लांट्स आपको अक्सर प्लास्टिक थैली के अंदर मिलते हैं। उन शॉपिंग किए हुए प्लांट्स को आप अपने बाकी प्लांट्स के बीच में ही कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों, इन्वायरमेंट और लोकेशन चेंज होने की वजह से प्लांट्स शॉक में आ सकते हैं। इसलिए आप उन्हें पहले से रखे हुए प्लांट्स के बीच में कुछ दिन के लिए छोड़ दें, ताकि वो अपने आप को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकें। और ख़ास करके इस सीज़न के अंदर प्लांट्स की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों, तेज़ गर्मी की वजह से जो प्लांट्स आपने परचेज किए हैं या पहले से जो प्लांट्स आपके घर के अंदर हैं, वो ऑलरेडी शो के अंदर हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं तेज़ गर्मी से खुद को बचाने की। और इस टाइम के अंदर अगर आप उन्हें उनकी प्रूनिंग करेंगे या उन्हें रिपोर्ट करेंगे, तो उनके सर्वाइव होने के चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है इनके प्रूनिंग का और जो इनके रिपोर्टिंग का जो सही टाइम रहता है मानसून का, तो उनका आने का भी आप वेट करें, उसके बाद ही प्लांट्स को आप रिपोर्ट या प्रून करें। इस तेज़ गर्मी वाले सीजन में दोस्तों, अक्सर लगभग सभी प्लांट्स की ग्रोथ या तो स्लो हो जाती है या फिर ग्रोथ रुक जाती है। उनके लीव्स येलो होने लगते हैं और प्लांट्स गर्मी की वजह से झुलस जाते हैं, और उनकी ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हम उन्हें बार बार फर्टिलाइज़र फीड करते हैं, जो कि सही नहीं रहता। नई ग्रोथ निकलने की बजाय नेगेटिव रिजल्ट निकल के सामने आते हैं और कई बार प्लांट्स डेड भी हो जाते हैं। तो प्लांट्स को बार बार फर्टिलाइज़र फीड ना करें, उन्हें करीब दो मंथ में एक ही बार फर्टिलाइज़र दें, वो भी आप उन्हें मॉर्निंग के टाइम दें। और ध्यान रखें, जो भी फर्टिलाइज़र आप प्लांट्स को फीड कर रहे हैं, वो पूरी तरह से डाइल्यूट हो। दोस्तों, इस सीज़न में प्लांट्स को हम कौन सी ठंडी खाद दें और उसे हम कैसे तैयार करें, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, इन सभी के टिप्स को अपना के आप अपने प्लांट्स को इस तेज़ गर्मी से बचा सकते हैं, और मेरे इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, ताकि आपको आने वाली जो गार्डनिंग वीडियोज़ हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट्स आपको मिलते रहें।